हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं वट सावित्री पूजा का पूरा ब्लॉग वीडियो है, स्पेशल वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता है कि अभी कैसे पैंडेमिक की स्थिति चल रही है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में ब्लॉग देने वाला हूं इस वट सावित्री पूजा स्पेशल पर। फ्रेंड्स, बात करें जैसे कि बहुत से लोग तो बाहर जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आखिर घर में लोग किस तरह से पूजा करते हैं, किस प्रकार आखिर इस वट सावित्री की पूजा की जाती है, और भी इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से लोग इस वट सावित्री की पूजा को घर में करते हैं और किस तरह से आखिर ये पूजा की जाती है है। और मैं आपको पूरा विधि के तहत साथ इस आज के इस ब्लॉग के वीडियो में आपके लिए इस वट सावित्री पूजा को लेकर आ गया हूँ। तो चलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरे ब्लॉग आपको दिखाता हूँ। आज दोबारा मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए ब्लॉग स्पेशल वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर और भी अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर जरूर करिएगा। तब चलिए ये वट सावित्री स्पेशल ब्लॉग की वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा के बारे में सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस पूजा में ये पांच चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिनके बिना व्रत और पूजा अधूरी रहती है। आइए जानें। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बहुत श्रद्धा से रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत का संबंध सावित्री देवी से है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान की आत्मा को अपने तपोबल से यमराज से वापस ले लिया था। यह घटना ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को हुई थी। इस तिथि को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इस पूजा के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। आइए जानें इन चीजों के बारे में। वट वृक्ष। वट सावित्री वृक्ष पूजा के लिए बरगद का वृक्ष बहुत जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष ने अपनी जटाओं से सावित्री के पति सत्यवान की मृत शरीर को घेर रखा था, ताकि जंगली जानवर उनके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। चना। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने सावित्री को उनके पति की आत्मा को चने के रूप में लौटाया था, इसलिए इस व्रत पूजा में प्रसाद के रूप में चना रखा जाता है। कच्चा सूत। मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधकर अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की थी, इसलिए व्रत में कच्चा सूत आवश्यक है। सिंदूर। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर को वट वृक्ष में लगाती हैं, उसके बाद उसी सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। बांस का पंखा पेना। ज्येष्ठ में बहुत गर्मी होती है। वट वृक्ष को अपना पति मानकर महिलाएं उसे बांस के पंखे से हवा देती हैं। मान्यता है कि सत्यवान लकड़ी काटते समय अचेत अवस्था में गिरे थे, तो सावित्री ने उन्हें बांस के पंखे से हवा झला था, इसीलिए इस व्रत में बांस के पंखे की जरूरत होती है। आए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। इस बार यह 10 जून को पड़ रहा है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी 3 दिन तक मनाने की परंपरा है, किंतु कुछ जगहों पर 1 दिन की निर्जल पूजा होती है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है।
प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवतः यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना हो तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना गया है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथ स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण में भी विस्तार से मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस पूजा में ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिनके बिना व्रत और पूजा अधूरी रहती है। आइए जानें। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बहुत श्रद्धा से रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत का संबंध सावित्री देवी से है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान की आत्मा को अपने तपोबल से यमराज से वापस ले लिया था। यह घटना ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को हुई थी। इस तिथि को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इस पूजा के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। तो फ्रेंड देखिए दर्शक, हेलो वट वृक्ष, वट सावित्री वृक्ष पूजा के लिए बरगद का वृक्ष बहुत जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष ने अपनी जटाओं से सावित्री के पति सत्यवान की मृत शरीर को घेर रखा था, ताकि जंगली जानवर उनके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। चना, पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने सावित्री को उनके पति की आत्मा को चने के रूप में लौटाया था। तो अपना पति मानकर महिलाएं उसे बांस के पंखे से हवा देती हैं।
ये था आपका वट सावित्री पूजा स्पेशल ब्लॉग। आप हमें बताइए कि आपको आज का ये वट सावित्री पूजा स्पेशल ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह का ब्लॉग आपको जनरल ब्लॉग सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये लीजिए प्रसाद, प्रसाद खाते जाइए। बताइएगा आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग स्पेशल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने फिर कुछ नए स्पेशल ब्लॉग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उसके लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग स्पेशल वीडियो में, तो अपने अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद, फतेह मातरम। बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने के लिए।